Boys, we are deciding our route for something crazy we are going to do in next 2 months. Kyun bhaiya? Haan. Yaar, hum tino logon ne na ek aisa prank socha hai na, matlab sabko pata nahi aaj kal divane ka bahut sara scene chal raha hai. हेलो दोस्तों, कैसी गुड फैमिली, आई होप सो वेल, हिट फिट एंड परफेक्ट होने वाली है। तो आज के ब्लॉग में भाई हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर से मिलने भाई, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। आई नो अभी हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा, उनको आने में भी टाइम लगेगा। अभी अप्रॉक्सीमेटली कानपुर से 60-70 किलोमीटर दूर हैं, बट उससे पहले हम लोगों भाई अगर कोई आ रहा है तो भाई ज़रूरी है कि भाई उनकी खातिरदारी बिल्कुल तगड़े तबाही तरीके से करें। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं लवी भैया के ऑफिस में, फिर वहाँ से उनको पिक करेंगे, थोड़ी देर के लिए वापस ऑफिस लेकर आएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, वहाँ पे मस्ती मुस्ती करेंगे एंड इसके बाद फिर छोटा सा मीटअप करने आ रहे हैं। मीटअप क्या इंद्र से, मतलब वो बस ऐसे मिलने आए हैं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है उनको मिलवा देते हैं, अपन भी मिलते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं सीधा रोड में लॉक स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं रोड पे एंड अब चलते हैं भाई पहले हर्ष को लेने। मतलब हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद भी अगर बाइक चलाओ ना तो भाई वो जोश अपने आप आता है ना, जब ये हूँ करती है ना भाई और जब पटाखे मारती है ना, पूरा फुल्ली चार्ज अप कर देती है यार ये बाइक। सुपर बाइक किस काम की भाई, जब तक चार्ज अप ना करे ब्रो बॉयज। तो अभी चलते हैं भाई, पहले हर्ष को पिक करते हैं, वहाँ से फिर चलते हैं लग भी है ऑफिस, देन फिर से मैं प्लान तो बता ही चुका हूँ भाई। भाई साहब एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ती जा रही जैसे जैसे मैं अपने काम की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। एंड भाई जब से ये पूरा रोड खाली हुआ है ना, बड़ा आराम सुकून सा मिलता है, ट्रैफिक नहीं लगता, बिल्कुल आराम सुकून से निकलो भाई। बट अभी गर्मी है, धूप है और ऊपर से मैं ये पूरा किट पहन रखा हूँ, देख रहे हो भाई पूरा ब्लैक, अंदर अंडे की तरह मैं उबल रहा हूँ बॉयज। तो भाई हर्ष आ गया है एंड अब यहाँ से हम लोग निकलना है लवी भाई के ऑफिस में, फिर वहाँ से उनको पिक करना है, उनको घर तक पहुँचाना है, वहाँ से गाड़ी उठानी है, मतलब ए लगातार काम पे काम। अभी स्टंट मत करना रास्ते में, इसकी आदत है ना हमेशा ब्रेक ही स्टॉप ही मारता रहता है। फ्यूल अप कराना है अभी इसको, चलो फ्यूल अप करवा लेंगे एंड इसके बाद जल्दी जल्दी निकलते हैं भाई। पहुंच गए लवी भैया के ऑफिस। साइड हटो बॉय, साइड साइड से। तो भाई हम लोग पहुंच गए लवी भैया की ऑफिस में एंड लवी भैया की खड़ी है यूसोंग GTR, ये 6500 सीसी है, 650 लिखा हुआ है, ये हमारी 9000 सीसी की गाड़ी है। ये 1555 सीसी की गाड़ी है, सब में 0-1 बढ़ गया है। चलो अब चलते हैं ऊपर भाई, उनको तंग करते हैं चल के। हेलो, क्या कर रहे थे यहाँ पे? काम। हमारे आते ही पीसी क्यों बंद हुआ? ऐसा क्या था? कुछ भी छुपाया क्या कर रहा था? थोड़ा यहाँ पे चला। यहाँ पे वायरल होने के लिए ना कुछ सीक्रेट चीजें ना जो हमको नहीं बताएंगे भैया। आप लोग आते एकदम ऑफिस में घुस गए, कोई तरीका नहीं होता आने का, ठीक है आप लोग आओ, बेल बजाओ, कॉल करो, कुछ एकदम नहीं, ऐसा नहीं होता केबिन के अंदर। हैं? वो अपने पन वाली चीज़ किडनैप कर रहे हैं ये लोग हमें। नहीं भैया कैमरे लगे हुए हैं, कोई नहीं कर लेंगे सही है। नहीं भैया वो किडनैप करने का हमारा बेसिक मोटो ये नहीं कि बस उनको बाइक दे दें, उनको सुरक्षित छोड़ देंगे। हाँ चलेगा, कभी नहीं बैठो, कभी नहीं, मुंह पे मना कर दिया। चलो कभी हमें सब कुछ दे दें भैया, कुछ ले पाओगे? हाँ अपना ऑफिस किसी को ब्लॉग में दिखाते नहीं है, तुम लोग मेरा ऑफिस ब्लॉग दिखा रहे हो, मेरा केबिन लेके आते हो, तो ये चीजें बतानी चाहिए आपको। बॉयज वी आर डिसाइडिंग आवर रूट फॉर समथिंग क्रेजी वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 2 months। क्यों भैया? हाँ अगले 2 महीने बाद हम लोग कुछ तगड़ा करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग मैप डिसाइड करना है किस रास्ते से कहाँ जाना है। बाकी आपको हिंट मिल गया होगा, मैं बोलूँगा नहीं, ये जूम करके देख लेना, हिंट मिल गया आप लोगों को। एंड ये हम लोगों का आने का रास्ता है, अभी फिलहाल हम लोगों ने आने का रास्ता का बात किया है, वो गलती से आने का आ गया, आने का रास्ता है ये आने का था एंड जाने का भी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो
जब जाने से बस 5-10 दिन पहले हम लोग डिस्क्लोज करें, कुछ चीज़ें होती ना अगर पहले बता देंगे तो फिर कुछ मज़ा नहीं, वरना फिर आप देखोगे नहीं क्यों। तो अभी बाकी हम लोग डिसाइड करते हैं, थोड़ी देर अभी यहाँ मस्ती करना है, इसके बाद हमको वहाँ आगे भी निकलना है, मतलब अभी नहीं, अभी कुछ काम के लिए हम लोग जाना है बाहर। यार हम तीनों लोगों ने ना एक ऐसा प्रैंक सोचा है ना, मतलब कि सबको पता है ना आजकल गिव अवे का बहुत सारा सीन चल रहा है कि भाई गिव अवे करने में फॉलोवर सब गेन होते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया है, वो जो बंदा आ रहा है ठीक है, अभी वो तो आपको आगे पता चलेगा, उसको रोकेंगे पहले ठीक है। भाई साहब आ रहे हैं दिल्ली से, तो अयोध्या गए थे ऐसे घूमने के लिए, तो सोचे कानपुर मिलते हुए जाएंगे, लोगों से मिल मिला लेंगे, तो हमने सोच रहे तगड़ा सा प्रैंक करने। और प्रैंक में अभी बता देता हूँ, प्रैंक हम लोगों ने सोचा ना कि लवी भैया के पास एक बाइक है 10R ठीक है, वो अरुणाचल उसमें नंबर लिखा हुआ है। तो हम लोग प्रैंक क्या करेंगे कि एक और बंदा आया था, उसने बोला था गिव अवे करेंगे, लेकिन वो मजाक करके जा रहा था, तो हमने उसकी 10R रख ली है और उसको कहीं फेंक दिया हमने। हाँ। तो तुम भी नहीं आ पाओगे, सब कुछ छिना के रख लेंगे, उसकी गाड़ी की चाबी हम लोग गैप कर देंगे। पहले तो डराएंगे काफी ठीक है, फिर लास्ट बोलेंगे प्रैंक हुआ है भाई, कोई सीरियसली ऐसा मत करना, हम लोगों ने प्लान और ये वीडियो में बता रहे, और ये वीडियो उनको बाद में शेयर करेंगे कि भाई देखो तुम्हारे साथ प्रैंक किया हमने, बहुत भयानक आ जाएगा बिल्कुल। पहले ही सोचा था भाई, मतलब ये एक्चुअली वो सबूत है, अगर मार पड़े तो दिखा पाए तो भैया प्रैंक था, नहीं तो फिर अगर वो डर गया तो भी ठीक है, 10R मिल रही है, 10R फ्री की मिल जाएगी, डरेगा तो नहीं, दे देंगे 900 मुझे दे देंगे भाई। नहीं 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 देखो बात ये ना, 10R का ग्लेशियर तुम रखें, 10R का पिछला हिस्सा हम रखें ठीक, डन 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 डन। ये बस मजाक करने वाले, और देखो इसलिए नहीं कहते तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अब वहाँ तुमने काम बिगाड़ेंगे तीन तिगाड़ा ये। चलो तो भाई अभी हम लोगों ने डिसाइड किया भाई थोड़ा सा कुछ चल के बाहर खा पी कर आते हैं, हम लोग थक गए काफी ज्यादा। ये गाड़ी जब भी एक बार में ऑन नहीं होती ना तो सांस फूलने लगती क्या हो। तो चलो वहां चले कुछ खा पी कर आते हैं बगल में ही। अभी भैया R15 में बैठे हैं, ये R15 नहीं है ये 10R है, अभी भैया 10R में बैठे हैं पीछे, एंड हम अपनी Z900। चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा पी कर आते हैं ना, भूख भी लगी हुई, थक भी गए काफ़ी ज़्यादा यहाँ मस्ती करते करते, एंड अभी वहाँ चल के मस्ती तो करनी ही है अपन लोगों को, वो भी करेंगे, पहले इधर चल के अपना मस्ती मुस्ती करेंगे भाई, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा समझे। अब ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे कोई अंदाजा नहीं है भाई, जहाँ जा रहे हैं वहीं वहीं चलेंगे हम लोग। R15 से रेस में हम हार गए, इससे रेस में हम नहीं जीत पाएंगे। जस्ट किडिंग बॉयज, हम लोग रेस नहीं कर रहे थे, ऐसे मस्ती मजाक चलता है बॉयज। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने, हम लोगों ने बस अभी एक चीज़ और डिसाइड किया ना कि भाई हम लोग प्रैंक तभी करेंगे, पहले माहौल वाहौल देख लेंगे। एंड लवी भैया अपनी यूसोंग में, हर्ष अपनी R1 में, एंड आई एम इन माई Z900। मैन यहाँ पे तो रेड हो गया, यहाँ पर भाई फाटक गिर गया, निकलने में टाइम लगे, ट्रेन निकल जाए तो तुरंत निकल जाएंगे फट से। रवि भैया और ये लोग पता नहीं कितनी जल्दी जल्दी गायब हो गए ना, पता ही नहीं चला। अब इनको देखने के लिए मेरे को इनके घर पहुँचने में मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है लोग शॉर्टकट से निकल गए और मैं लंबे वाले रास्ते से आ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ये लोग मुझे फ़ोन कर रहे होंगे, मैं बस अब सीधा वहीं बोलूँगा कि भाई पहुँच गया मैं। गाइस आपने ZX-NR कभी देखी नहीं होगी तो आपको आज पहली बार दिखा दे, ये है ZX-NR। ओ भाई साहब कितनी सेक्सी लग रही है, भैया एक बार चला लूँ क्या, मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है। भैया ने बोला गेट लॉस्ट। देखा गाइस ये 10R वालों में एटीट्यूड बहुत होता है, इनको अनफॉलो। हाँ अभी देखा था। चलो अब चलने का टाइम हो गया। ओए बॉयज सबको पता चल गया ना प्रैंक करना है,
बस सबको ही रेडी है प्रैंक करने के लिए, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है यहाँ पर। भैया ने सबको चौकन्ना कर दिया, गाड़ियां आ रही हैं तो हम लोग पहुंचेंगे तो भाई हमें तो रिएक्शन मिलेंगे। भाई क्या जबरदस्त पटाखे मार रही है, लोग भाग भाग के आ रहे हैं देख रहे हैं। बाइक में यही खास है भाई, अब चलते हैं ना तो भाई क्या धमाकेदार पटाखे मार दिए, देखो रिएक्शन। अभी व्हीली पड़ी थी, एक्सीडेंटल व्हीली आई थी लवी भैया की गाड़ी में। हम सब लोग भाई थोड़े चौकन्ने हो गए हैं पुलिस को लेके कि भाई हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग थोड़ा गंदा रहा, सेटिंग तो करते रहिए लेकिन तब भी यार अब उनको कैसे बताएंगे दो मिनट की बात में, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो हमको पकड़े या फिर कोई बवाल ववाल हो, इसलिए आराम से चलेंगे भाई। जब से पुलिस पुलिस का हुआ है ना भाई यहाँ पे भाई गंगा ब्रिज खाली खाली से रहता है दिन के टाइम।